चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको मेरी वन ऑफ फेवरेट वनस्पतियां जो है, मेरी फेवरेट, उनमें से एक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वरुण है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको जड़ी बूटियों के बीज चाहिए तो कुछ कुछ जड़ी बूटियों के बीज मैं vishalsathe.me पे प्रोवाइड करने लगा हूँ, और इसमें हम लोग बहुत ही तेज़ी से इसमें और सीड्स ऐड भी कर रहे हैं। आपको कुछ जड़ी बूटियों की सीड्स चाहिए तो इस वेबसाइट पे जाइए। तो आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों में अगर हम वरुण ये शब्द देखें तो वो एक भगवान को रिप्रेजेंट करता है। वरुण भगवान है, और वरुण भगवान की अलग अलग जगह पे, अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज में अलग अलग परिभाषा दी गई है। लेकिन अगर ब्रॉडली उसका मीनिंग हम लोग समझे तो वरुण भगवान एक ऐसे महाशक्ति को रिप्रेजेंट करता है जो कि सारी कायनात को चारों तरफ से घेरता है। तो इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो ये है कि घेरना, कोई ऐसी महाशक्ति जो घेरती है। तो कहीं कहीं डॉक्यूमेंट्रीज में ऐसा पढ़ने में आता है कि वरुण भगवान जो है वो आकाश के देवता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सब हर चीज को आकाश ने घेरा हुआ है। कहीं कहीं आप अगर दूसरे डॉक्यूमेंट्रीज में अगर पढ़े तो वरुण भगवान को अपने जो महासागर है और बादल है जो बरसात लाते हैं, उनका देवता भी कहा गया है। उसके पीछे भी कंसेप्ट यही है, बिकॉज अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी में जो जमीन है उसको पूरे महासागर ने घेरा हुआ है। अगर हम ऐसे नीचे से ऊपर देखें तो बादल इस जमीन को घेरते हैं। तो कंसेप्ट वरुण भगवान के पीछे ऐसा है, ये है कि वरुण भगवान एक ऐसी महाशक्ति है जो कि जिसने कि घेरा हुआ है, और उनका जो, जैसे हम लोग हर एक भगवान के साथ उनका एक वेपन भी होता है, तो वरुण भगवान का वेपन है जो फांसी का फंदा होता है, वो वरुण भगवान का वो हथियार है। और जो भी जीव पाप करता है, और अगर उसका पाप का घड़ा भर जाता है तो वरुण भगवान उस रस्सी से उसे बांध लेते हैं और उसे एक तरह से उसका फ्रीडम छीन करके, और उसको फिर उसका हिसाब किया जाता है। तो ये कंसेप्ट है वरुण भगवान, ये जो महाशक्ति है उसके पीछे। ये मैं इतना डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज यूं ही किसी भी चीज़ का नामकरण ऐसे ही नहीं किया जाता है, उसके पीछे कोई कारण होता है। इसलिए मैंने ये इतना रिसर्च किया कि वरुण ये जो वनस्पति है उसका नाम वरुण क्यों रखा गया। इसलिए मैंने ये पहले आपको इतना सारा एक्सप्लेन किया, ये मेरा रिसर्च है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। वरुण भगवान जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि आकाश का भगवान है, तो आकाश वात को रिप्रेजेंट करता है, और ये वरुण का पेड़ जो है उसके सेवन से वात रोग ठीक होते हैं, नंबर एक। तो अगर किसी को वात रोग का प्रॉब्लम है, उसमें इसके छाल का 1 से 2 ग्राम छाल के का काढ़ा बना करके 400 ग्राम पानी में पकाइए, 1/4 पानी रह जाए दिन में, अगर 2 बार इस तरह से काढ़ा पीते हैं, या फिर अगर इसके पत्तों का भी सेवन करते हैं, फूलों का सेवन करते हैं, या फिर इसको इसके पत्तों का पोल्टिस बना करके लगाते हैं जहाँ पे दर्द है, तो इससे हर तरह की दर्द और सूजन दूर होती है। इसके अलावा वरुण भगवान, जैसे मैंने बताया, महासागरों का देवता भी बताया गया है, या फिर जो बरसात वाले जो बादल है उसका भी देवता वरुण भगवान को कहा गया है शास्त्रों में। तो ह्यूमन बॉडी में फ्लूइड को, पानी को कौन नियंत्रित करता है? हमारे जो किडनीज है वो इसे नियंत्रित करती हैं।
तो बिकॉज वरुण भगवान महासागरों का देवता है, वो पानी से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बहुत बड़ा लॉजिकल है कि ये किडनीज में भी वरुण की छाल जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके लिए ये बहुत ही खास जानी जाती है, ये याद रखिए। तो वरुण का ये रिलेशन, इस तरह से कनेक्शन भी है, बिकॉज वरुण भगवान जो है वो महासागरों के देवता है, इसलिए हमारे बॉडी में जो किडनीज है, जो पानी रेगुलेट करती है, उसे ये वरुण की छाल ठीक करती है। वरुण के छाल का काढ़ा पीने से किडनीज के हर तरह के विकार दूर होते हैं। किडनीज की बहुत ही खराब परिस्थिति भी अगर हो गई हो, किडनी टोटल फेलियर तक अगर चली गई हो, तो भी ये इसमें इसके सेवन से रिकवर हो जाती है, ये इसका दूसरा फायदा है। और अगर हम आगे बढ़े, इस कंसेप्ट को ही देखें, बड़ा आसान हो जाता है याद रखने के लिए, बिकॉज हमारे शरीर को किस चीज ने घेरा हुआ है, हमारे शरीर को हमारे स्किन ने घेरा हुआ है, चारों तरफ से हमारी स्किन है, हमारे शरीर को उसने घेरा हुआ है। तो वरुण के काढ़े के सेवन से, वरुण के सेवन से स्किन भी, हर तरह के चर्म रोग भी दूर होते हैं, चाहे वो किसी तरह का ल्यूकोडर्मा हो, या फिर कील मुहासे हो, या फिर गाठे क्यों ना हो, या कोई भी चर्म विकार क्यों ना हो, वरुण के सेवन से ये 100% ठीक होता है। और भी वरुण जो है वो खास करके आंखों के विकार में, हर तरह के नेत्र विकार में बड़े काम का है। इसमें इसका काढ़े का भी सेवन करना है या फिर चूर्ण का भी सेवन करना है, और वरुण के पत्तों की चटनी बना करके बाहरी तौर पे आंखों पे उसको लगा के रखना है, इससे हर तरह के आंखों के विकार दूर होते हैं। और इसका फायदा है, ये वर्सेटाइल वनस्पति है, इसके बहुत अनगिनत फायदे मैं आपको कुछ ही बता पाऊंगा। गले के जो विकार होते हैं, जो भी ये गले का एरिया है, इसके सारे विकार वरुण ठीक करता है। स्पेशली मैं आपको बताऊं, गले में अगर गंडमाला हो गई है, या गले में गॉइटर बढ़ा हुआ है, या फिर टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, या फिर गले में गांठ हो गई है, या किसी किसी को ये गला है ना, ये साइड से सूज जाता है, बड़ा विचित्र, एक्चुअली मैंने काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे हुए हैं, मैं क्योर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अभी मैंने ये वरुण उनको सजेस्ट किया है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो मैं चैनल पे ज़रूर फ्यूचर में वीडियो करूँगा। ये साइड से जो गला है वो ऐसा ह्यूज स्वेलिंग आ जाती है, तो ऐसे में भी वरुण का सेवन करने से ये प्रॉब्लम भी 100% दूर होता है। और इसके अलावा बवासीर में, आजकल लोगों का खान पान बिगड़ गया है, बवासीर का बहुत केसेस हैं, बहुत लोगों को बवासीर की शिकायत होती है, बवासीर में भी इसके काढ़े का सेवन करने से, इसके पत्तों के चूर्ण का सेवन करने से, पत्तों को खाने से, या फिर इसके फूलों को भी उसका सेवन करने से बवासीर भी 100% ठीक होता है। और ये डायबिटीज में भी बहुत ही अत्यंत कारगर है। डायबिटीज आपको अगर हो रखा है, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, और डायबिटीज से बड़ी अगर हालत ख़राब है, तो वरुण का सेवन कीजिए, आप साथ में आप सदाबहार का सेवन कीजिए, भृंगराज का सेवन कीजिए, करेला, खीरा, टमाटर, बीट, इस तरह की चीज़ें आप सेवन करते हैं, या फिर पलाश का सेवन कीजिए, या फिर छुई मुई का सेवन कीजिए, आपका डायबिटीज़ बड़े तेज़ी से कंट्रोल हो जाएगा। या फिर आँख के जो पत्ते होते हैं, वो पैर के उल्टे पत्ते पैर के नीचे रख करके, मोज़े पहन करके रात को सो जाइए, 15-20 दिन ऐसा करेंगे, डायबिटीज़ तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, लाइक करें ना करें इसको शेयर ज़रूर कीजिए, बिकॉज ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इससे बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा और बहुत सारे लोगों की तकलीफें दूर होंगी। तो अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, बाय।